पांच ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू गो फॉर योर फर्स्ट पेपर. सबसे पहली टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू गिव अ सफिशिएंट टाइम फॉर अ फर्स्ट पेपर. काफी बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जब इनका पहला पेपर होता है तो बोलते हैं यार ठीक है यार दो दिन है हो जाएगा, तीन दिन है हो जाएगा. बट मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पहला पेपर है ना उसको सफिशिएंट टाइम दो. उसका रीजन सिंपल है, पहला पेपर जैसे जाएगा उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस डिसाइड होगा फ्यूचर पेपर का. पहला पेपर बहुत बढ़िया गया, आगे के पेपर बढ़िया ही जाएंगे, टेंशन फ्री जाएंगे. अगर पहला पेपर अच्छा गया ना तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस फॉर नेक्स्ट पेपर इज गोना बी इंक्रीज. सो पहले पेपर के लिए जो स्टडी टाइम है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए. जो भी अभी फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं राइट, तो उनका पढ़ाई मेरे हिसाब से अभी उनको स्टार्ट कर देना चाहिए या कल से उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग देम टू गिव अस सफिशिएंट टाइम. पॉइंट नंबर वन. सेकंड पॉइंट एक ध्यान में उनको रखना है कि जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि पहले पेपर का जो भी कवरेज हो रहा है 100% होना चाहिए, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना बिल्ड होगा वो इस बेसिस पे बिल्ड होगा. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट में आपको लिख के जाना है. काफी बार होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बट उस एग्जामिनेशन फॉर्मेट में नहीं करते हैं. तो जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना एग्जाम फॉर्मेट में वो अभी करना है, इस ड्यूरेशन में करना है, स्पेशली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर. चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है, आज का टाइम सस्ता है कल का टाइम महंगा है. और एक और चीज ध्यान में रखो कि जो आपका ड्यूरेशन है एग्जाम टाइम 2 से 5 का या 2 से 6 का अगर इलेक्टिव दे रहे हो तो इस ड्यूरेशन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू यूज मोबाइल फोन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू रोम अराउंड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप राइट. इस टाइम में आपका ब्रेन बॉडी सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव मोड पे होना चाहिए. इस वजह से मैं कह रहा हूं 2 से 5 का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है अभी राइट, ना इधर उधर देखना है ना दूसरे पेपर के बारे में सोचना है. इसके साथ साथ मैंने काफी सारी चीज जो देखी है स्टूडेंट्स वो ये करते हैं कि यार काफी बार जो होते हैं ना हम एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक कर बैठते हैं. पेपर में हमको आता है जब हम पेपर इवेल्युएट करते हैं तो सिली मिस्टेक होता है. सिली मिस्टेक क्यों होता है? बिकॉज नींद पूरी नहीं होती. नींद पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती. पढ़ाई पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेते रहते हो. पूरा कोरिलेशन है, ध्यान में रखिए. पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट टिप और वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो एक काम करना है, या तो आप किसी फैकल्टी का रिविजन वीडियो देख लो या तो कोई रेफरेंस मटेरियल यूज कर लो. अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्टक हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसको लिख के रखो, एंड में देख लेंगे, बात खत्म, टेंशन नहीं लेना है. इसके साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब अगर आप इस समय पे नए क्वेश्चन पिकअप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो. नए क्वेश्चन पिकअप नहीं करना है, जो पढ़ा है याद है, सिर्फ रिकॉल करना है, सिर्फ रिकॉल करना है राइट. तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहले मैं सब समराइज कर देता हूं. सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, गिव अ सफिशिएंट टाइम टू फॉर योर फर्स्ट पेपर. दूसरी चीज, कोशिश करो 100% कवरेज हो. तीसरा, कोशिश करो एक या दो क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट में लिख के जाओ. चौथा, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जिसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप, अपनी नींद को देना पड़ेगा. उसके साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 से 5 वाला जो टाइम है उसमें आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा अवेयर रखना है. और इसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि उस टाइम को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करें. और अगर कोई आपको चीजें रिकॉल नहीं हो रही है, स्किप इट आउट, टेंशन नहीं लेना है. अगर आपको लगता है कि उसमें और टाइम देना है तो एक बार रिविजन वीडियो देख लो, उसके साथ आपका चीजें खत्म हो जाएगी. ध्यान रखिए, जो सपना था, जो सोचे थे हमने चीजों को, उस चीजों को अब खत्म करने का समय आ गया है. दैट इज व्हाई आई कॉल दिस फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ. और कोई हेल्प चाहिए तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाइए, मुझे टैग कर दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट.